आप देखें जरा, पेपर में दो तरह के सवाल है, एक सवाल थ्योरेटिकल है और एक सवाल, अब ये आज हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि पहली क्लास में कुछ बच्चे आए, फिर दूसरी क्लास में कोई नया बच्चा आए और तीसरी क्लास में फिर नए बच्चे आ गए, अब चौथी क्लास में कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा, फिर उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे भाई। ये सारा जो बेसिक बता रहा हूं रिकॉर्डिंग में मौजूद है, रिकॉर्डिंग भी पूरी कंप्लीट ए टू जी, ठीक है भारत मुख्तसर बात करता है। ये वो सवालात हैं जहां एग्जामिनर कह रहा है भाई मुझे बस तुम ये बता दो कॉपी पेस्ट थ्योरी, जहां पे तुम्हें कोई नॉलेज को अप्लाई, जहां तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट है, ठीक है कितने मार्क्स है थ्योरी के और प्रैक्टिकल, मार्च 21 थ्योरी कितनी, प्रैक्टिकल कितना, सितंबर 21 थ्योरी कितनी, प्रैक्टिकल कितना, फिर रिवर्स गेयर मारा, थ्योरी कितनी, प्रैक्टिकल कितना, सितंबर में थ्योरी कितनी, प्रैक्टिकल कितना, मार्च तक थ्योरी कितनी। अब तुम पिछले तीन अटेम्प्ट का निकाल लो, एवरेज मीन निकाल लो, इसका मतलब है आज भी पेपर में 40 नंबर की थ्योरी आ रही है, और थ्योरी से मतलब क्या है हमारा भाई, ठीक है। अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन है आपको मेरी आवाज आ रही है जरा क्लियर कर दें जी, क्योंकि आज बच्चे नए हैं तो मैं कुछ बातें रिपीट कर रहा हूं, उसके लिए अपोलोजाइज। जितने बच्चे हैं काइंडली मुझे जरा यस सर नो सर करके बता दें, मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ। 7-8 बच्चे क्लास में नए आ गए जिनकी खातिर मैं कुछ चीजें रिपीट कर रहा हूँ, डू यू माइंड दैट, इंशाल्लाह चौथी क्लास में भाई ये नहीं होगा, ठीक है। बहुत माजरत बहुत माजरत बहुत माजरत, आप बड़े कीमती लोग हैं लेकिन इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये सारी बातें किए बगैर स्टार्ट कर दिया लोग बोलेंगे लो भाई डायरेक्ट टॉपिक शुरू कर दिया आपने। अच्छा अभी आ जाए ब्रॉड कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। मैं पहली बार ये पढ़ा रहा हूँ इस तरह डेबिलिटी के ऊपर, अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना जरा मुनासिब हो जाता है। हमारे पेपर में मेन मेन चीजें क्या आ रही है, ठीक है। अगर मैं यूं बताऊं तो मैं यहां से हाईलाइट कर देता हूं, हमारे सिलेबस में मेन मेन चीजें क्या आ रही, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है, जिसको आईकेएफ की एथिकल गाइडलाइन भी कहा जाता है। कंपनी लॉ और एथिक्स, अगर किसी पेपर में ये कंबाइंड आ जाए दोनों मिला के, अगर किसी अटेंड में ये दोनों कंबाइंड आ जाए तो ये 15 नंबर का सवाल भी आ सकता है कंबाइंड, 10 नंबर का भी आ सकता है और 20-25 नंबर का भी आ सकता है। ये एंड में कवर होता है दोनों की सीक्वेंस को, जूं के पहले एथिक्स करते हैं और फिर कंपनी लॉ करते हैं, क्लियर है बात। फिर आ रहा है हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, एक ये टॉपिक है, ये वो टॉपिक है जो एसीसी एफएड में बहुत एग्जामिन होता है, वहां ऑलमोस्ट इट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन। अब आईकेएफ ने इसको बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछना शुरू कर दिया, अगर इसका सवाल एग्जाम में आएगा नॉर्मली इट शुड बी प्रैक्टिकल, आईकेएफ थ्योरेटिकल सवाल नहीं पूछता है। इसका सवाल 10 नंबर का भी आ सकता है, 8 नंबर का भी आ सकता है, 12 नंबर का भी आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है, लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है। आगे चले ऑडिट रिपोर्ट, ये हमारे सिलेबस का सबसे कोर है, सदाबहार टॉपिक है ये, यानी आपने पूरी तैयारी बहुत शानदार कर ली और आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ा, इसका मतलब है आपने कुछ नहीं पढ़ा, रिपोर्ट तो रीढ़ की हड्डी है। अच्छा जैसे ही रिपोर्ट पढ़ते हैं उससे पहले हम कवर करते हैं मटेरियलिटी, ये एज ए 320 है। अगर मैं थोड़ा स्टैंडर्ड्स की भी आपको एक चक्कर लगवा दूं जरा, तो स्टैंडर्ड का चक्कर कुछ ऐसा लगेगा, ये है आयजा 320, ऑडिट रिपोर्ट है पूरी 700 की सीरीज, 7 आयजा 700, 701 कैम, 705 मॉडिफिकेशन और 706 ईओएम। अब चेक करें आप ऑडिट रिपोर्ट के कितने स्टैंडर्ड है, 1, 2, 3 और 4, और जो भी सवाल रिपोर्ट का आता है वो 320 के साथ लिंक्ड होता है, पूरा सिलेबस लिंक्ड है, लिंकिंग 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 लिंकिंग, बगैर लिंकिंग के कैफे पॉसिबल ही नहीं है। सर आपकी सीक्वेंस क्या होती है, पहले हम पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहां भी जरा एक डेमो दे दूं, पहले क्या कवर करते हैं भाई, बोलो बोलो जवाब दो, बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म करती है। सबसे पहला टॉपिक जो ऑडिट का होता है वो है आयजा 500, कौन सा आयजा 500। सर ये आयजा क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, मैंने पहली क्लास में ब्लू रंग की बुकलेट दिखाई थी। अकाउंटिंग में पढ़ते थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग में पढ़ते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी प्लांट गवर्नमेंट को ट्रीट कैसे करना है कौन बता रहा है, IAS 16 बता रहा है। इसको चार्ज ऑफ करेंगे, इसको कैपिटलाइज करेंगे,
इसी तरह पूरी दुनिया में ऑडिटिंग कैसे करनी है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, वो कौन बता रहा है? वो बता रहा है आईजा, कहो आईजा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जिस तरह आईएस 16 था, आईएस 36 था, 37 प्रोविजन है, इनटेंजिबल है, रेवेन्यू है, उसी तरह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के भी अपने नंबर है। तो ये है आईजा 500 नाम है इसका, ऑडिट एविडेंस। क्या नाम है भैया? ऑडिट एविडेंस। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है। अब ये समझे, ये है तुम्हारे ऑडिट की रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। जब आप ये लेक्चर देखेंगे आप बोलेंगे अरे यार ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बजाय तो एक टॉपिक है लेकिन इसके अंदर पांच टॉपिक निकल रहे हैं, ब्रांचेस है, लिंकिंग। जैसे ही ये खत्म होगा एविडेंस, हम स्टार्ट करते हैं मटीरियलिटी। कौन सा क्या मटीरियल है, क्या मटीरियल नहीं है, एक ऑर्डर ने क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना, क्या हम जाने देंगे, क्या हम क्लाइंट से कहेंगे एडजस्टमेंट करो, ये तुमने दो नंबरी की हुई डेप्रिसिएशन की, इसको चार्ज करो, ये तुम्हारा रेवेन्यू अंडर रिकॉर्डेड है इसको सही करो, ये तुम्हारी इन्वेंटरी ओवर वैल्यूड है इसको सही करो। तो क्या वो मटीरियल है या वो इमटीरियल है? और जैसे ही ये खत्म होगा हम स्टार्ट कर देंगे ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद फिर हम कवर करते हैं, रिपोर्ट आया उसके बाद आएगा आईजा 560 सबसिक्वेंट इवेंट्स। अभी आपको लग रहा है ऑडिट के मुश्किल मुश्किल जार्गन नहीं है, होगा शुरू में 8-10 घंटे भारी होते हैं, जाहिर एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे ना, एक नया सब्जेक्ट है, नए टर्म्स हैं, लॉ की अपनी जबान थी, अकाउंटिंग की अपनी जबान है और ऑडिट की अपनी जबान है। फिर हम कवर करते हैं आईजा 570 गोइंग कंसर्न। चेक कर रहे हैं आप ये समझें कि मैं इतने सालों से इसी सीक्वेंस को पढ़ा रहा हूं, एंड दिस इज द आइडियल सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? हटो बचो, हटो बचो, पहले सूप पीते हैं, फिर बिरयानी फोड़ते हैं, फिर कोरमा रोटी खाते हैं और एंड में गुलाब जामुन चूस के वापस रख देते हैं। अगर जगह है तो खा लेंगे, वरना जायके के लिए क्या करेंगे? समझ गए आप, ये नहीं हो सकता पहले गुलाब जामुन चूस लिया, फिर एंड में पान खा लिया, फिर बिरयानी खा ली और फिर सूप पी रहे। मतलब बोलेगा भाई ये तो किसी और, अभी इसका हैंगओवर नहीं उतरा है। तो ऑडिट की भी अपनी सीक्वेंस है, और अगर टीचर ने सीक्वेंस आगे पीछे कर दी तुम्हारा तो काम पूरा हो जाएगा। तो सीक्वेंस डज मैटर, साइज डज मैटर, सीक्वेंस डज मैटर भाई, ठीक है जी। कौन सी मूवी थी वो जिसमें बड़ा डायनासोर दिखाते हैं हॉलीवुड की, कौन सी मूवी थी? एनाकोंडा नहीं, हाँ वही वही वही, ठीक है बादल। तो 560 सबसिक्वेंट इवेंट्स, 570 गोइंग कंसर्न। जैसे ही ये खत्म होगा, जैसे ही ये खत्म होगा हम एक नई दुनिया में चले आएंगे, वो है आईजा 300 प्लानिंग एंड ऑडिट। फिर हम कवर करते हैं आईजा 315 एंड वी मूव फॉरवर्ड। ये मैंने आपको अगले को टॉपिक की बताई है सीक्वेंस। अगर मैं आपको यहां बताऊं तो यहां वो टॉपिक ये छुपे हुए, देखें जरा, ये रहा सबसिक्वेंट इवेंट 560, ये रहा गोइंग कंसर्न 570, ये रहा मटेरियलिटी 320 जो ऑलरेडी यहां भी कवर हो रहा है, उसके बाद ये आ रहा आईजा 300 और ये रहा वो एविडेंस। ये जो बताया कि सीक्वेंस थोड़ी बताइए, सीक्वेंस तो आगे बताइए, ये तो बता रहा हूं तुम्हारे ऑडिट के मोटे मोटे एरियाज क्या हैं। क्या बताया था कल पीपीई के अंदर? प्रेजेंटेशंस हैं, रोल प्ले हैं, स्पीचेस हैं, इंटरव्यू स्किल्स हैं और वर्चुअल मीटिंग है। जिस तरह पीपी का ब्रेकअप दिया था तो ये समझो तुम्हारे ऑडिट के मोटे मोटे एरियाज है, ठीक है। अगर तुम्हें सीक्वेंस देखनी है तो मैं तुम्हें आगे लेके चलता हूं और मैं तुम्हें सीक्वेंस दिखाता हूं, ठीक है। ये डायग्राम लास्ट टाइम कवर किया था, याद आ रहा है? ठीक है जी। अच्छा ये तुम्हारा पेपर है भाई, कौन सा? मार्च 23। बहुत अच्छी बात है कि सामने आ गई है। अब आज काफी सारे लोगों की पहली क्लास है, ठीक है, और जिनकी दूसरी क्लास है उन्होंने भी अब तक क्या उखाड़ लिया, वो कौन सा चीते हो गए। अब तुम्हारे सामने सवाल आ गया, कौन सा अटेंड, कौन सी भाई, चेक करो, मार्च 23। ये रहा तुम्हारा मार्च 23, ठीक है जी। 8 सवाल है, ब्लैक पेन में आपने आंसर देना, ये रही इसकी रिक्वायरमेंट। आपसे रिक्वायरमेंट पढ़े पूरी क्लास, मैं अज्यूम कर रहा हूं आज पहली क्लास है भाई, माजरत के साथ जी। क्या है? आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द बिजनेस रिस्क। इसका मतलब है एक काम है, दो काम है, दो काम है, आइडेंटिफाई भी करें, डिस्कस भी करें, आगे मजीद दो काम है, बिजनेस रिस्क एंड। सवाल में दो रिक्वायरमेंट नहीं है, चार रिक्वायरमेंट्स। ये मैं तुम्हें पहली क्लास में सिखा रहा हूं आज, ये मुझे नहीं सिखाना चाहिए बच्चों की तरह,
ये आगे जाके बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बच्चों की तरह नहीं पढ़ाएंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों से भी और बच्चे लोग आ गए पढ़ने के लिए। जो क्वालिटी आ रही ना विंटर इलेवन की, वो दम नहीं है उसके अंदर। 125 घंटे पढ़ा के बच्चे ऐसे सवाल करते, दिल चाहता बंदा जाके दीवार में सर दे मारे अपना, माइंड नहीं कीजिएगा। ठीक है, हम सबर करेंगे, हमें अल्लाह ने उस्ताद बनाया है, हम अपने जब्त पे काबू रखेंगे, गुस्से पे काबू रखेंगे, और हम बार बार कहेंगे कंट्रोल उदय कंट्रोल, और हम पढ़ाते जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छा आगे चलें, आप अगली रिक्वायरमेंट देखें, सिर्फ रिक्वायरमेंट पे गौर करा रहा हूं मैं, ये रही रिक्वायरमेंट जी, ये एथिक्स का सवाल है, पढ़े पूरी क्लास पढ़े जरा। इन द लाइट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, कितनी रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई। अब आप सिर्फ आइडेंटिफाई करके आएंगे, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे ना यार, तुम मेरी बात समझो। सर मैं तो फेल हो नहीं सकता, मैंने यहां से भी लेक्चर ले लिए, वहां से भी पढ़ लिए, लाहौर से भी पढ़ लिया, मुल्तान से पढ़ लिया, मुजफ्फराबाद से पढ़ लिया। एक तो ये वैसी पागल बन गया आपने, मुफ्त था ना, बेकाबू हो गए आप, आपने कहा जहां से ज्ञान मिल रहा पकड़ लो, ऐसे नहीं होता यार। बूफे ठीक है, लगा हुआ है बूफे, पेट तो तुम्हारा है ना, तो अगर ऑनलाइन लेक्चर फ्री है तो दिमाग किसका है? आप कह रहे नहीं दिमाग तो खराब है, दिल में दे चुका हूं, दिमाग मेरा खराब है। बचा क्या, क्या बचा भाई? ठीक है जी, कितने मार्क का सवाल है? ठीक है, आगे चलें जी। अच्छा ये पूरा सवाल जो है ना, ये बना हुआ है केपीके के ऊपर, ठीक है, चेक करें क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं कंपनी का नाम चेक करें, मैं कह रहा हूं ये जो पेपर बना है ये स्कर्दू की वादियों में बना है, चिल्लास हुपर, हुपर वैली है, बहुत गजब की हुपर ग्लेशियर है, अगर आप जा रहे हैं हुंजा तो वहां हुपर ग्लेशियर है। ऐसी मैं बता रहा हूं, मैंने एकदम से ऑब्जर्व किया, सारा सवाल में कंपनी के नाम देना, वो केपीके का दिया हुआ है, शिखर वैली भी आ रहा है, पूरा स्कर्दू कवर किया हुआ इसके अंदर। बहरहाल आगे चलें जी। अच्छा जी ये सवाल आ गया आपके सामने, फिर देखें जरा, ठीक है। अच्छा आप ये जरा चेक करें, ये सवाल कितना मार्क का है, आप जवाब देंगे तो मजा आएगा पढ़ाने का, वरना मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, बता रहा हूं मैं, घर जा रहा हूं, अल्लाह हाफिज, मुझे जवाब चाहिए तुम्हारा। कितने मार्क का सवाल है ये, कितने मार्क का सवाल है, 10। खाली एथिक्स 16 नंबर का आया हुआ है, चेक कर लो ना, कोड ऑफ एथिक्स बोलो ना, जाओ ना टॉपिक छोड़ के, जाओ ना, मैं देखता हूं पास कैसे हो गए। सुबह पेपर है, रात को एथिक्स की रिकॉर्डिंग देख रहे, 2x करके टीचर को नचा रहे हैं, टीचर यूं करके एथिक्स पढ़ा रहा है, टीचर कह रहे हो जबरदस्त, बंदा कह रहे यार ऐसी सॉलिड तैयारी हुई है। अच्छा कब हुई तैयारी, पर रात 12 बजे आखिरी लेक्चर देखा, रिवीजन वो तो किया नहीं, पास पेपर वो देखे नहीं, सिमुलेशन की वो समझ नहीं आती, पेपर कब है सुबह है, उसके बावजूद भी लड़के 40s में फेल होते। सोचो अगर तैयारी 10 दिन पहले कर ली होती, इंसान के बच्चे बन गए होते, और अगर 20 दिन पहले सिलेबस कवर कर लिया होता, अगर ये तुम्हें कमजोरी का मसला ना आता, तुम लेजी ना होते, तुम हर वक्त नींद में जमाइयां ना लेते, एक्स्ट्रा स्लीपिंग ना करते, नशावर गोलियां ना खाते, पास कर लेते। आप अपने हाथ से फेल होते हैं और अपनी एफर्ट से पास होते हैं, लेकिन मसला है मुसलमानों का प्रॉब्लम है, जब तक एक फटका नहीं पड़ता ना इंसान को, चंबा नहीं पड़ता ना, चंबा जोर का, इंसान के बच्चे बनते नहीं। आप पहले बन जाओ ना, पढ़ लो ना, ठीक है, बता दिया मैंने, रिक्वायरमेंट पढ़े जरा शाबाश। इन द लाइट जरूरी क्या, रोशनी चाहिए, किस चीज की रोशनी चाहिए, आप पढ़ो रोशनी में पढ़ो। अच्छा ये रुक जाए, मैं पढ़ो ना, ना पढ़े ना करें, आपने पेड़ अगर कर दिया उसका, कहें आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड डिस्कस ऑल्सो ब्रीफली डिस्कस, कितनी रिक्वायरमेंट है। पेपर में बैठते हैं जल्दी होती, 3 घंटे गुजर जाएं बस, और बाहर जाके लड़के जैसे आप शाहरुख खान लगेंगे पतले पतले हाथों के साथ, आप जेब में आपको 150 रुपए नहीं, आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ओ भाई पेपर में जल्दी किस बात की है, आराम से रिक्वायरमेंट पढ़ो ना। आप देखें आप इसको तफरी समझ रहे हैं, मैं बड़ा सीरियस हूं उस टाइम, आप रिक्वायरमेंट तेज पढ़ेंगे आपको रिक्वायरमेंट समझ नहीं आएगी, आराम आराम से पढ़ें, पॉज दें। इसका मतलब है पहले मैं यहां जाके रुकूंगा एंड पे, फिर मैं यहां जाके रुकूंगा, फिर मैंने ये देखा तो मैंने कहा एक रिक्वायरमेंट ये रही, दूसरी रिक्वायरमेंट ये रही, और तीसरी ये रही, मार्क्स तो चेक करो मामू, मार्क्स तो चेक करो मामू, 10 है
आई कैप के पेपर में 10 नंबर थ्योरी में ज्यादा नंबर होते हैं। अब आप कह रहे हैं मैं 10 नंबर है, मैं आधा पेज लिख के आ जाऊंगा, मुझे आई कैप गोल्ड मेडल दे देगा, गोल देगा, गोल मेडल नहीं, समझ रहे मेरी बात? आगे चले, ठीक है जी, बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग मुझे, यकीन करें बजाने का इतना मजा आता है। अल्लाह पाक तूने क्वालिफाई करा दिया कसम खुदा की। चलें जी, अच्छा अभी मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था कि कुछ सवाल थ्योरी के और कुछ सवाल थ्योरी के सवाल, ये वो सवाल हैं जहां पर नॉलेज कॉपी पेस्ट, जहां पर मुझे अपनी अकले सलीम दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सर लेकिन दिमाग तो यहां बेटा आपका वहां तक पहुंच ही नहीं रहा ना, ये अनयूज रखा हुआ आपने, ब्रांड न्यू ब्रेन नहीं है, पन्नी पे गई, ये आपने इस्तेमाल करने शादी के बाद, खत्म हो जाएंगे, टोटल इंपेयरमेंट हो जाएगी आपकी उसके बाद, तो अभी इस्तेमाल ना करें वरना बाद में पछताएंगे आप, रोज जिएंगे रोज मरेंगे। समझ रहे हैं? तो ये वो सवाल है जहां सोचने की, पढ़ो सवाल, पढ़ो पढ़ो सवाल, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अरे आखिरी एडवांटेज तो क्लास फोर में आए थे, एडवांटेज डिसएडवांटेज मैस्कुलर फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल, यहां भी आ रहा है, कितने मार्क का सवाल है? अब या तो तुझे 4 नंबर आते हैं या तुझे नहीं आते हैं। अब बच्चा एग्जाम में बैठा हुआ है, उसने सवाल देख लिया, सर शायद का लेक्चर याद आ रहा है, काश रिवाइज कर लिया होता, पेपर में बैठा हुआ है, 4 नंबर का सवाल है, वहीं पर नियत कर रहा है अल्लाह पाक अगली बार शुरू से पढ़ूंगा, आज जाते ही पढ़ूंगा, आज आज पढ़ूंगा। अल्लाह के वली 4 नंबर छूटे, अभी और नंबर हैं, 70 नंबर करके भी बच्चे पास हुए हैं। क्या कहा? इसका मतलब है 50 out of 70, होता है मिरेकल होता है भाई, अगर तुमने 50 नंबर सही कर लिया पास है, कोई कोटा शोटा नहीं होता भाई, बकवास बात है, ठीक है। अच्छा आगे चलें, जरा ये सवाल पढ़े, और ये कितने नंबर नंबर का सवाल है पढ़े, थ्योरी का सवाल है पढ़े, अब पेपर में जज्बाती हो गए, पेपर में सब आता है तो भी पागल, नहीं आते तो और दीवाने, मैं बैठा हूं वो लिख रहा है और पागल, वो कैसे लिख रहा है, ठीक है। उस जल्दी में ये भूल गए कि एग्जामिनर ने एग्जांपल भी कही थी, इसका मतलब तुम क्या करके आए, सिर्फ डिस्कस, क्या करके आए तुम, जब तुम सिर्फ डिस्कस करोगे तो एग्जामिनर भी 3 नंबर पूरे नहीं देगा, वो भी आपस में डिस्कस करेगा। अब 3 नंबर में से आपको मिला 1.5 नंबर, अब जब पूरे पेपर में 15 नंबर है ही नहीं तो 45 पर भी फेल होंगे, 48 पर भी होंगे, फिर कह रहे सर कुछ ऐसा बताएं कि अगली बार निकल जाए। मैंने कहा पहले लाहौल पढ़ो, 2 रकात नमाज पढ़ो, और शुरू से दोबारा तमीज से पढ़ लो, और बच्चे अगले टाइम में पास हो जाते हैं। जल्दबाजी, लैक ऑफ रिविजन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर आर मल्टीपल रीजंस यार, एक चीज नहीं है। आपके बाल अच्छे हैं, कुर्ता अच्छा नहीं है आपका, कुर्ता अच्छा है, जूते फटे हुए आपके, जूते जबरदस्त है लेदर के, मोजे फटे हुए आपके, सब कुछ बहुत अच्छा है, शेप बड़ी हुई आपकी, सब कुछ बहुत अच्छा है, आप बदबू मार रहे हैं, अल्लाह माफ करे। मुझे बताएं क्या है, हम जब लगे ना यार बंदा बहुत स्मार्ट लग रहा है, ठीक है मेरी बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या ये मुकम्मल पैकेज है? क्या एक कॉम्पोनेंट है, मल्टीपल कॉम्पोनेंट है, मल्टीपल कॉम्पोनेंट है, दैट मेक यू पास द एग्जाम इंशाल्लाह, कोई बड़ी चीज तो नहीं हो रही भाई। अच्छा ये पढ़े जरा सवाल, अब ये 4 और ये 3 और ये 4, ये स्टेट थ्योरी के सवाल है। मैं देखे, मैं अज्यूम कर रहा हूं आज पहली क्लास है, आज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हालांकि तीसरी क्लास है आज, लेकिन चूंकि बच्चे सैंपल बेस पे आ रहे हैं, समझ रहे हैं, आइज़ा 5530 सैंपलिंग, जब सैंपलिंग पढ़ाऊंगा आपकी एग्जाम्पल दूंगा, आप सैंपल बेस पे आते हैं, तो आज मुझे मजबूरन ये फोर्स किया गया है कि आज आप अज्यूम करेंगे पहली क्लास है, लिहाजा मैं सारी बातें कर रहा हूं, अब ये बातें दोबारा रिपीट नहीं होंगी भाई, ठीक है जी। जरा पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, अब ये सवाल है आइजा 230 का, वर्किंग पेपर का सवाल है आइजा 230, स्ट्रेट थ्योरी, इसका आंसर हैंडआउट में दिया हुआ है, 4 और 3, 7 और 4, ऐसे पेपर में 40 नंबर रखे हुए हैं जो आप आधे पौने घंटे में, घंटे में निपटा के पेपर लॉक कर सकते हैं। अकल हो तब ना, तैयारी टाइम से पहले हो जाए तब ना, मल्टीपल फॉल्ट से समझ आएगा, समझ आएगा। ऐसे नहीं मैं दिल गुर्दा फेफड़ा लगा रहा, पूरी ताकत लगा रहा हूं कि आपके आपको हिलाऊं मैं, ठीक है।
अच्छा जी ये देखें भाषु, ये 20 कर दूं मैं। अच्छा अब ये टॉपिक है आयसा 550 का, ठीक है। अच्छा अभी जरा रिक्वायरमेंट पढ़े जरा एक मिनट। अब ये बाहर क्या लग रहा है, अच्छा सिनेरियो ऐसा लग रहा है, बाहर देख के क्या लग रहा है, कितने मार्क का सवाल है ये टॉपिक है आयसा 550। क्या है ये टॉपिक है आयसा 550, नाम है इसका रिलेटेड पार्टीज। कसम खुदा की अल्लाह झूठ ना बुलवाए, इस 12 और 4 16 नंबर में से आप ये समझें कि 70-80% सवाल हैंडआउट से कॉपी पेस्ट है, नहीं है मुश्किल, आपने मुश्किल बना दिया है ना पढ़ के उसको। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह रहा है ना, आज मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं, इस वक्त पूरे कराची में मैं इस वक्त मोस्ट सीनियर टीचर हूं, इनफैक्ट पाकिस्तान लेवल पे हूंगा शायद, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि भाई ये सिलेबस तो 2 महीनों में तुम्हारे कदमों में होगा, वो बाबा जी कहते हैं आशिक कदमों में होगा। फिर आशिक ऐसा चिपकता है पागल की तरह कर देता है आपको, आशिक जान ले लेगा आपकी, ये तो हैंडसम आशिक है, 2 महीने का सिलेबस नहीं है ये। अगर कोई आपसे कह रहा है कि भाई एलएमएस देखें और पेपर आपके कदमों में, नहीं ऐसा झूठ बात है, ये 2 महीने का सिलेबस नहीं है, हमने बैठ के आई कैप का सिलेबस ये डिजाइन किया है। आई कैप कह रहा है भाई ये 120 से 130 घंटे का आई कैप कह रहा है, उसमें आप 20 घंटे जोड़ लें, ये 140 से 150 घंटे का सिलेबस है, उसका हक अदा नहीं करेंगे क्या यार, करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद आर्टिकल जब सी ए फाइनल है, और अगर ये पर्चा तुमने लपूट लपूट के पढ़ के पास भी कर लिया तो तुम सी फैब 6 में ऐसा फंसोगे कि तुम्हारे मोटे मोटे आंसू निकलेंगे, तुम्हारा पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, पेपर पास नहीं होगा। क्यों ऐसा रिस्क लें? और ऑडिट आगे 2 जगह आ रहा है, सी फैब 6 में है और एमएसए 1 के अंदर है। आप समझे, काश आप समझे बात को, और आप समझ तो रहे होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो मुझे पूरी है। अच्छा अब आप जरा ये सवाल देखें, ये मैं आपको इससे बताता था कि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। अब ये सवाल है रिपोर्ट का, ठीक है। अब ये सवाल है हमारा फेवरेट, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब ये आप चेक करें कितने मार्क का सवाल है, 10, ठीक है। जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें आप, ब्रीफली इवेल्युएट द अबव सिचुएशन को एंड 4 की प्रोसीजर्स। अब ये जो 4 की प्रोसीजर हैं, ये एक अलग मौजू है, इसका नाम है सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम से कम 10 से 15 घंटे का टॉपिक है। अगर किसी बच्चे ने इसको लपेट दिया, और बच्चे लपेटते हैं, और कई बेवकूफ ये कहते हैं सर पेपर में तो सब्सटेंटिव आए ही नहीं, फिर मैं इनको दिखाता, हाँ भाई आए नहीं है, हाँ सर आए, हाँ भाई आए नहीं, हाँ सर आए, हाँ सर हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं था। आपका टीचर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका इंस्टीट्यूट का माहौल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आप खुद भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इट्स अ ट्राइंगल। मैं 26 साल से पढ़ा रहा हूं, आज तक सी ए फाइनल का सवाल कराने की जरूरत ही नहीं है, बेवकूफी के अलावा इसका कोई और नाम नहीं है। अच्छा जब सी ए फाइनल में जाएंगे तो क्या कैफेट के सवाल करेंगे, उल्टा होगा तो कैफेट में क्यों करेंगे? जो तुम्हारे कैफ एड के पास पेपर हैं, जो तुम्हारी कैफ एड की बुकलेट है तुम वो तो कर लो, तुमसे ये 150 नहीं हो रहे तो सी ए फाइनल करा के मैं पागल का बच्चा हूं? मेरी बात समझ आ रही है? बहुत मुनासिब मेहनत करके पर्चा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या चाहते हो, क्या जवाब दो, क्या चाहते हो, क्या हो, सुन लो भाई बात, सुन लो यार, भी पढ़े, कितने मार्क का सवाल है। अब मैं तुम्हें आज ये बताने का मौजू नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सरप्राइज पैकेज दे रहा हूं, ठीक है, बात समझो जरा। ये जो 10 नंबर का सवाल अभी मैंने दिखाया, इसकी 4 हेडिंग है, कितनी, ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, सवाल कैसे लिखते हैं बताऊंगा, क्लास में हर टॉपिक के 8-8, 10-10 पास पेपर सॉल्व हो रहे होते हैं। आओ मैं तुम्हें हेडिंग बनाता हूं, फर्स्ट हेडिंग बनती है एक्सप्लेनेशन, तुम खाली रिपीट कर दो एक्सप्लेनेशन, फिर हम निकालते हैं मटेरियलिटी, फिर हम बताते हैं एग्जामिनर को हम प्रोसीजर क्या करेंगे, कहो ऑडिट प्रोसीजर, और फिर हम बताते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब आप मुझे बताएं कि ये कितनी हेडिंग हो गई मेरे बच्चों। अब अगर आप गौर से देखें तो मार्क्स कितने थे, आओ मैं तुम्हें मार्क्स की बाइफर्केशन बताता हूं, ठीक है, गौर से देखना, सिखा रहा हूं तुम्हें।
आज का मौजू नहीं है, तुम समझो मैं तुम्हें भरम करा रहा हूं आज कि कैसे पढ़ेंगे आप। दोबारा पढ़े ब्रीफली, पढ़ो ना मामू पढ़ो ना, रुक जाओ। ये इवैल्यूएट ब्रीफली इवैल्यूएट के अंदर दो हेडिंग है, एक्सप्लेन भी करना है और निकालना है कि भाई क्या ये मटेरियल है नहीं है। आगे चलो, ये रहे प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर बी पढ़ो, डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट। मतलब 10 नंबर तुम ऐसे मिल जाएंगे, 4 लाइन लिख के मिल जाएंगे, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी भूल है, तुम्हें ऐसे मार्क्स मिल जाएंगे। भाई नहीं मिलते ऐसे मार्क्स, तुम्हें प्रॉपर जान माननी पड़ेगी, तुम्हें 4 हेडिंग में आंसर देना पड़ेगा। अब मजे की बात सुनो, अब मैं तुम्हें एक नई बात बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा है कि शायद तुम अगर तुमने ओपिनियन सही बता दिया तो तुम्हें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। भाई इसकी इसकी बाइफर्केशन है, आओ देखो इसकी बाइफर्केशन कैसे है। हो सकता है मैं अजम्पशन ले रहा हूं, 2 नंबर इसके हैं, 1 से 1.5 नंबर इसका है, लेट से 4 नंबर इसके हैं, कितने हो गए 4 और 5 6 7, सवाल कितना मार्क्स का है, ठीक है। अब इसके इसने 4 नंबर दे दिए, अब जब इसके 4 नंबर बता दिए इसका मतलब है जो 6 नंबर है वो क्या इन 3 में का स्प्लिट हो रहे होंगे। इसका मतलब है अगर तुमने ये वाला पार्ट का आंसर गलत दे दिया लेकिन तुमने ऊपर में कहीं ना कहीं बात दुरुस्त भी की है तो तुम्हें उसके प्रोपोर्शनल मार्क्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑडिट में तो कोई पास ही नहीं होगा। स्टेप्स के मार्क्स हैं, किसके मार्क्स हैं, स्टेप्स के मार्क्स हैं। बात समझ आई है? ये आज तीसरी क्लास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये पहली क्लास है, जो पहली क्लास से बैठे हैं बड़ी माजरत है कि आप रिपीट टेलीकास्ट देख रहे हैं, लेकिन इनके लिए जरूरी है। और जो नए बच्चे हैं पुराने बच्चों को अप्रिशिएट करें कि वो बैठ के सफर कर रहे हैं, वो दिल में तस्वीर मोड़ रहा है अस्तगफुरुल्लाह 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 लाहौल वाला कुव्वत, आपकी वजह से लेट आए हैं आप पाकिस्तानियों। ठीक आगे चले जी। अच्छा जी, रिपोर्ट तुम्हारे सिलेबस का वो एरिया, सबसे अहम एरिया जिसके लिए हमने महफिल सजाई भी है, तुम चेक करो कि इसने इस अटेंड में मार्क्स कितने पूछे हैं रिपोर्ट के। ये कितने मार्क्स थे? एक और सवाल आ गया, कितने हो गए? 10 और 10। ये भी रिपोर्ट का है, कितने हो गए पाकिस्तानियों? अब आप ये चाह रहे हैं कि सर साजिद जो जो टॉपिक एग्जामिनर ने 24 नंबर का पूछा है हमें 2 क्लास में पढ़ा के चीता बना के बम का गोला बना दो, ये फीस का पार्ट है, बात समझ रहे हैं आप? ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एकदम से आता है इनहेरेंट। अब 24 नंबर का सवाल है, मेहनत नहीं करेंगे क्या भाई? 10-12 सवाल करोगे तो एग्जाम का सवाल समझ आएगा ना। मजे की बात है ये दोनों सवाल बहुत ही आसान है। अभी अभी तो पढ़ा नहीं, सिलेबस पढ़ा नहीं ना, अभी तो मुश्किल लगेगा, पढ़ लो तो आसान लग जाएगा। ये सारी इसकी इतनी शानदार रिकॉर्डिंग है, खुद मैंने लेबलिंग कराई हुई है, आप यकीन करें इतने दिल से पढ़ाया, और आप यकीन करें ऑडिट का सिलेबस मैंने कोई 20-15 बार रिकॉर्ड किया होगा, और सबसे बेस्ट मैंने एलएमएस पढ़ा रहा हूं इस वक्त, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है। कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज केएनएस में नहीं है। यू हैव टू इंश्योर दैट यू डिलीवर योर बेस्ट। अगर फिजिकल बैच होता तो आप क्लास में टीचर के साथ साथ पढ़ रहे होते हैं, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो टीचर आपको प्लानर देगा कि पहले हफ्ते में ये, दूसरे हफ्ते में ये, ऐसा ही होगा ना, तीसरे हफ्ते में ये, चौथे में ये। अब आप उस प्लान को फॉलो नहीं करते, फिर आप कह रहे हैं सर वो मैं तो अभी फला टॉपिक हूं, तो क्या करना है बेटा? पहले आप सदका दें आप, और आप ईमान ले आए, सर कैसी बात कर रहे हैं आप, बताए अब मैं ऐसा क्या करूं कि कवर हो जाए? मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम एक दिन में बजाय 4 घंटे के 8 घंटे पढ़ो, समझ रहे हैं आप खुद ही प्रोलॉन्ग करते हैं, फिर अपने ऊपर प्रेशर लेते हैं, फिर उस प्रेशर में आके आपको मौत वाकई हो जाती है। डोंट डू दिस। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये, कराची यूनिवर्सिटी नहीं है ये, CBM नहीं है ये, ZEBISH नहीं है ये, कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है, इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट टॉप नॉच क्वालिफिकेशन। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं जिसकी दुनिया में डिमांड है। द डे यू क्वालिफाई पासपोर्ट वहां का लगेगा जहां तुम जाना चाहते हो दुनिया में, रेसिप्रोकल मेंबरशिप्स हैं। उसके लिए मेहनत नहीं करोगे क्या यार? बोलो जवाब दो ना यार, जवाब दो ना। आगे चल,
सर रिपोर्ट में, अच्छा एक और मार्केट में बड़ा मशहूर है, मार्केट में बड़ा आजकल कराची में चल रहा है भाई, पेपर में तो थ्योरी आती ही नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, आईकेप वाले पागल हैं, ये तो आईकेप का सवाल नहीं है, ये या तो आईकेप वाले पागल हैं या बोलने वाला फिर पागल होगा। सवाल पढ़ लें, आईकेप का सवाल है आपके सामने कि पेपर में ये थ्योरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये ले मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जरा गौर से देखें। जी जी पढ़े जी, चार मार्क का सवाल पढ़े, शाबाश। हैंडआउट बता दूंगा, कॉपी पेस्ट है, हैंडआउट बता दूंगा, कॉपी पेस्ट है। क्या ऊपर कहीं सिनेरियो दिया हुआ है? नहीं नहीं शायद दिया हुआ, हो सकता दिख ना रहा हो, नहीं मिले आपको दिख रहा है, हो सकता है नीचे कहीं दिया हो, नहीं है कोई कहीं कोई और कोई नंबर दिए हुए इसके अंदर, सिंपल कह रहा भाई ईएम बता दो ओएम बता दो, एग्जांपल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, खत्म। कितना मार्क का सवाल है इसका? आंसर मेरे ख्याल में एक से डेढ़ मिनट का है। पेपर में तो थ्योरी आती है, ये क्या है भाई? ये थ्योरी है। बहुत गुमराह करने वाले मिलेंगे, बहुत टोपी कराने वाले मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी भाई, जरा थोड़ा देख लें आप, समझदार लोग हैं आप, हर बात फॉलो नहीं होती है। इसीलिए मैं पिछले कई साल से पहली क्लास में पेपर दिखा देता हूं, झगड़ा खत्म। मुझे डिफेंड करना ही नहीं किसी को, मैं तो कह रहा हूं मेरा बच्चा इस काबिल हो जाएगा वो इस तरह के ह्यूमर्स को खुद डिफेंड करे। अगला सवाल पढ़ा, ये भी थ्योरी का सवाल है, कंपनी लॉ का सवाल पढ़ा। रिक्वायरमेंट ये लिस्ट द पर्सन, वो बंदे बताएं जिनसे हम कंपनी में दौरान ऑडिट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, कसम खुदा की, अल्लाह झूठ ना बोलवाए। 45-50 नंबर तो चलते फिरते, मैं तुम्हें अभी मैं हैंडआउट से वेरीफाई करा दूंगा। तुम बोलोगे यार फिर फेल क्यों होते हैं? अमाल, हरकतें, जहालत, कंफ्यूजन, लैक ऑफ स्लीप, पेट में पेपर में भूख लग रही है, पेपर में घबरा गए, पेपर में बैठ के सोच रहे मेरी कौन सी फॉर्म में होगा, अगले दिन क्या होगा। भाई अभी पेपर तो कर लो ना, क्या फेट दे रहे हैं सर? वो आपसे एक सवाल पूछ रहे हो क्या सर? ई वाई जाऊं कि एफ एफ जाऊं? अच्छा ठीक है, रुक जाओ, हेलो लाइन पर हो, लाइन पर हो, कैफ हो गया? नहीं। कैफ फेट पास हो गया? नहीं। अभी क्यों पूछ रहे? ऐसे पूछ रहा था, ओके अल्लाह हाफिज। अभी अभी पूछने का सवाल था ये। सोशल मीडिया के एडवांटेज भी है, सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज भी है, जो देखते हैं उसको अखस कर लेते हैं आप, तबाह हो रहे हैं आप। व्हाट्सएप तो आ गया, तबाह हम हो गए। नेटफ्लिक्स आ गया, गोरे ने बना दिया, तबाह हम हो गए। टिकटॉक आ गया, तबाह हम हो गए। यार ना करें भाई, खुदा का वास्ता ना करें, हर चीज देखने वाली भाई नहीं होती भाई, जरा बात को समझे। सी मैं ऑडिट की बात कर रहा था यार, जी समझ मुझे सब आता है, मामू नहीं हूं मैं, दूध वाला नहीं हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऊपर से मेमन भी हूं। एडिट एडवांटेज, जी सवाल पढ़े, पेपर में थ्योरी नहीं आती भाई, पढ़े। नहीं नहीं आईकैप का पेपर नहीं है, घर से बना के ला, झूठ बोल रहा है, झूठा है तो भाई आईकैप का कसम खुदा के यकीन नहीं आ रहा आपको, आप यकीन करने को तैयार ही नहीं मेरी किसी बात का। आप हो रही है, हाँ आप चेक करें, आप चेक करो, चेक करो भाई। हाँ भाई कि किसका है ना सर, ये आपने केनस में प्रिंट किया है, अब मैं खुदकुशी कर लूंगा बता रहा हूँ। कौन सा अटेम्प्ट है भाई? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर हैविंग दिस डिस्कशन, आई एम ग्लैड। चार और चार, आठ और चार, स्ट्रेट नंबर दिए, समझ रहे मेरी बात? आठ सवाल थे, अब ये देखें जरा, अब मजे की बात सुने आप। नलतर, ये भी केपीके में नलतर वैली है, बहुत खूबसूरत जगह है, केपीके देखने वाला है। एक टॉपिक है टेस्ट ऑफ कंट्रोल, क्या नाम है? ठीक, जब मैंने कैफ एट पुराना मॉड्यूल भी पढ़ाना शुरू किया था ना, जब मैं ऑडिट में उतरा था, उस अटेम्प्ट से पहले मेरे एफ एट के 150 बैच हो चुके थे, समझ रहे? आई क्वालिफाइड एसी से 21.5 इन 2 years फर्स्ट अटेम्प्ट, और मैंने पूरी आर्टिकल शीट में पढ़ा ईवाई के अंदर रहते हुए। ड्रीम बड़ा ना, ख्वाब बड़ा था मेरा, तो जब ख्वाब बड़े होते तो मेहनत भी कैसे करनी पड़ती है, फिर मेहनत भी टिका के होती है, छोटा मोटा प्रोफेशन थोड़ी है भाई, वी आर मिलियनियर्स, मतलब वी से मतलब मैं,
आप भी उड़ेंगे इंशाल्लाह, समझते वाली बात नहीं। एफ एट का जो एग्जामिनर है उसके पेपर में रिपीट ACCA F8 इज एन आउटस्टैंडिंगली अमेजिंग पेपर, उसमें सिनेरियो पे सवाल ज्यादा आते हैं, सवाल सीधे होते हैं लेकिन सवाल में थ्योरी कम होती है प्रैक्टिकल। I'm just trying to make a point. उसमें एक टॉपिक है TOC, क्या TOC? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। वो जो TOC का टॉपिक है वो F8 में सवाल हमेशा क्या काम है ना, आखिरी वर्ड सिनेरियो पे जाता है। IKF वही अकाउंटिंग बॉडी है जिसने उस सवाल को भी थ्योरी में पूछ लिया और मौत वाकई हो गई बच्चों को। इस पर सवाल थ्योरी को कैसे आ गया? IKF को कई बार समझाया, आई स्पोक टू द डेट एग्जामिनेशन सो मेनी टाइम, सर ये टॉपिक थ्योरी का नहीं है, आप क्या टेस्ट कर रहे हैं? रिसेंटली बहुत बेहतरी आई, हमारे कमेंट्स जाते हैं, हम फीडबैक देते हैं उनको, स्लोली एंड ग्रेजुअली अब पेपर जो है वो प्रैक्टिकल आ रहा है। ठीक है, ये आपके सामने सवाल है। ठीक है, जरा सवाल की लंबाई चौड़ाई इसके डोले देखें आप, जरा सवाल का बाइसेप देखें, सवाल का ट्राइसेप देखें आप जरा। ठीक है, चेक कर रहे हैं भाई, सर ये आसान नहीं है पेपर में, ये पढ़ना आसान, जरा रिक्वायरमेंट पढ़ ले प्लीज। जी पढ़े, आइडेंटिफाई द कंट्रोल्स। ऊपर सवाल में वीकनेस नहीं है, ऊपर सवाल में सब कुछ सही है, आपने क्या ढूंढना है, फिर आपने क्या रिकमेंड करना है, एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है एंड से पहले एक बात है, एंड के बाद। यार अगर टीचर पहली क्लास में इतना शानदार बता दे, मुझे पता है गाइडेंस नहीं मिलती, फिर क्या, फिर हम फेल हो सकते हैं? नहीं हो सकते यार, मैं पहली दो क्लास में नहीं करा सकता पास पेपर, कैसे कराऊं? हां मैं पास पेपर दिखा सकता हूं, मैं करा नहीं सकता। क्या बोलते हो, समझदार लोग हैं आप, मुझे इनपुट दिया करें अपना। क्लास के बाद आपके आपके जो भी गाइडेंस है, सजेशन है, आई वेलकम दोस। आप मुझे बताएं सर आपको यूं करना है, मैं आपको उसकी जस्टिफिकेशन दूंगा, नहीं हो सकता। आठ नंबर का सवाल है, चार नंबर इधर है और चार नंबर एंड के। अब अगर किसी ने जल्दबाजी में, मेरी बहन अगर ये चार नंबर आगे आगे तक उसकी नौबत ही नहीं आई तो चार नंबर तो गए ना, इसका मतलब है तुमने पेपर 100 नंबर का के 96 मार्क्स का किया है। अब इस तरह तुम्हारे पूरे पेपर में कहीं दो नंबर गायब है, कहीं एक नंबर गायब है, कहीं फला नंबर गायब है, तुमने अटेम्प्ट 85 मार्क्स का किया है, उसमें अगर तुम्हारे 48 आ गए हैं तो गनीमत नहीं है। अगर पूरा कर लिया होता तो फिर ओए यार शिट, पहले अटेम्प्ट में आप कैजुअल थे ना, पहले टाइम में हम नींदें पूरी कर रहे थे, आप पार्टी कर रहे थे, आप आराम से दोस्तों में गप्पे लगा रहे थे, आपके पास टाइम नहीं था पढ़ने का, आपने कहा एंड में LMS देख लूंगा, मैं तो एंड में ही पढ़ता हूँ, मैं तो जब तक प्रेशर ना है मैं तो पढ़ती नहीं हूँ, जब तक एंड में प्रेशर ना आए, मैं ईमान ना ले आऊँ, मेरी दाढ़ी ना निकल आए, मैं 6 वक्त की नमाजी ना हो जाऊँ, 6 वक्त अल्लाह को कह रहा है 6 पढ़ूंगा, चूज द बेस्ट 5। अल्लाह मियां से भी लेन देन कर रहे हैं आप, अल्लाह में 7 पढ़ी है मैंने, चूज द बेस्ट 5 जो आपको पसंद है। ठीक है, आगे चले, ये अच्छा ये देखें, ये सवाल देखें, लिस्ट फिर आगे थ्योरी, भाई फिर थ्योरी आ गई, चेक कर लो, पढ़ो सवाल पढ़ो। आई सो मच, आप अगर मैं इस पेपर को तुम्हारे सामने और थ्योरी के मार्क्स काउंट करते हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं, तुम लोग गिनो ताकि तुमको आइडिया हो कि पेपर में गए, सितंबर 22 से फिलहाल एक पेपर बहुत है वरना ओवरडोज हो जाएगा आज के लिए। ठीक है, मार्च 23, ठीक है, 12 नंबर प्रैक्टिकल है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ प्रैक्टिकल। हाँ, इस तरह की आवाज़ें मत निकालो भाई, अल्लाह आपको शिफा दे भाई। प्रैक्टिकल 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 कितने मांगोगे जमीनगे, 4 और 3 बोलो ग्यारह, ठीक है, आगे चलो, इस 12 और 4 16 में से भी तुम निकाल लो 6-7 नंबर, चलो 6 निकाल लो, ऊपर कितने थे, ग्यारह और 6 कितने होंगे, कितना नंबर जमीनगे होंगे, ठीक है, आगे चलो,
Brought to you by KMS. देखे ये पैकेज का पार्ट है, ना पढ़े मिस करेंगे आप। 16 नंबर थे ऊपर, जवाब दो ना। 17 थे, 17 और ये कितने हो गए, कितने हो गए, 29। आगे चलो, 29 और 5 कितने हो गए, 34। हो सकता है मैंने कुछ बीच में मिस किया, लेकिन मैं अभी अपफ्रंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अभी जो मैंने अपना एनालिसिस किया, कौन सा पेपर था ये, ठीक है ना, जरा ऊपर जाएं। और मैंने जो एनालिसिस किया हुआ है, हो सकता है मैंने शायद कुछ यहाँ एक आध, हाँ जी, कितना आ रहा है, 44। हो सकता है मैंने स्क्रॉलिंग में कुछ मिस कर दिया होगा। अभी आपने जो पेपर देखा वो कौन से टाइम का था, कितने नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए हैं। अगर एक बच्चा इसमें से पूरे नंबर नहीं ले रहा है या इसका 80% नहीं ले रहा है, तो फिर वो पास होने डिजर्व नहीं करता यार। ये जो 56 है, इसमें भी आधे थ्योरी है पाकिस्तानियों, तो आधे जोड़ ले भाई, आधे जोड़ ले मामू, आधे जोड़ ले, कितने आधे कर, 20 पकड़ ले, 20 जोड़ ले, 20 जोड़ ले, 44 में कितना हो गया, 64 पेपर पास हो गया। आप फेल हो ही नहीं सकते, मेरी बात समझ आ रही है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ आज, ठीक है। आई होप कि आपको बात समझ आई होगी यार। अल्लाह ताला जो है ना वो जबान में और गले में तासीर डाल दे और वो बात आपके दिल में उतर जाए, या मैं आपके दिल में उतर जाऊँ, कुछ तो उतरे, बेहतर है कि टॉपिक दिल में उतर जाए, मैं उतर जाऊंगा मसला हो जाएगा, मैं डिमांडिंग आदमी हूँ। अच्छा जी, सीक्वेंस में शाबाश दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, कैफ 8 की सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। क्या कहा मैंने आपके सामने, सबसे पहले क्या कवर करेंगे भाई, फिर क्या आएगा, लिखे मत बोर्ड पे दिया हुआ, यहां देखें मेरे साथ देखें, ठीक है। ओ माई गॉड, आई कैन मूव लाइक दिस, ओ माई गॉड, ठीक है जी। पहले क्या पढ़ेंगे, अच्छा ये इसके अलग से कोई चार्जेस नहीं है टेक्नोलॉजी के, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। पहले क्या पढ़ते हैं भाई, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अच्छा अब सुनो, चूंकि तुमने यहां रिपोर्ट कवर कर लिया, ये दोनों टॉपिक रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, लिहाजा जैसे ही रिपोर्ट कवर करेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है और आइजा 570 का अंजाम भी क्या है, इसका मतलब है ये हम सारे एक ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे। अगर मैंने बीच से एक भी सीक्वेंस आउट कर दी, मैंने तुम्हारे दिमाग का बना दिया फलूदा, सीक्वेंस बहुत मैटर करेगी। आपने मुझे वचन देना है, तो मतलब आपने मुझसे प्रॉमिस, स्टार प्लस, आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप सीक्वेंस ब्रेक नहीं करेंगे, जो सीक्वेंस क्लास के वही सीक्वेंस। अच्छा अक्सर बच्चे आते हैं, सर घर में कैसे पढ़ना है, मैंने कहा निकर पहन के पढ़ने हैं आप, सर आप अजीब सी बात कर रहे हैं, मैंने कहा शुरू किसने की थी यार, क्या मतलब घर में कैसे पढ़ना है, ड्राइंग रूम में पढ़ लो, किचन में पढ़ लो, कोशिश करो कि किसी मुनासिब जगह पे जाकर पढ़ लो, वॉशरूम में बैठे मत पढ़ लेना भाई, कहीं भी पढ़ ले। सर सीक्वेंस क्या होगी, जो क्लास की सीक्वेंस है वो घर की सीक्वेंस है, अगर क्लास में ये खत्म किया तो घर में क्या पढ़ेंगे, यही मुश्किल बात की मैंने, बोलो ना। आगे चलो, फिर क्या, अच्छा यहां से देखें कहानी शुरू होती है, ये यहां से कहानी हुई शुरू डिफरेंट, इसका मतलब है जैसे ये 60 टॉपिक पूरे हो गए, जैसे 60 टॉपिक, सुनो और से सुनो प्लीज, जैसे यहां तक पहुंच गए उसके बाद तुम एक नई दुनिया में चले जाओगे मेरे साथ। अब ये एक पूरी सीक्वेंस है, प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट रिस्क, इसके दो पार्ट हैं, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। उसके बाद आएगा वो इदारे जिनका मकसद पैसा बनाना नहीं है, जैसे कि आईकेएफ, जैसे कि केएनएस। हम लोग पैसा बनाने थोड़ी आए हैं, हम तो तालीम को आम करने के लिए आए हैं। सब तो फिर पैसे किसने ले रहे हैं, ताकि फंड्स रहे अच्छा लगता है, जेब भरी थी ना, यकीन करें ऐसी मोटिवेशन आती, कसम खुदा की भाई बता नहीं सकता आपको, यकीन करें हम लोग पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं, होगा तो काम आएगा ना। चले भारत, ये पूरा एक सेगमेंट है, क्या कहा,
इसको मैंने सर्कल किया, चेक करें क्या क्या इसमें टॉपिक दो रहा है। देखिए ऑडिट मुंह से निकाले, जार्गन निकाले मुंह से। अब जी अच्छा, वैसे तो नंबर 11 भी इसी का पार्ट होता है, इसको भी इसका पार्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब कितने टॉपिक हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 हो गए। जैसे ये तुमने खत्म किया, अब एक नई दुनिया में दाखिल हो गए आप। वो दुनिया क्या है भाई, जरा पढ़े। अच्छा अब मैं बता रहा हूं, अब आप अच्छा मिसाल के तौर पे अगर आज मंडे का दिन है और आज अगर मैं ये स्टार्ट करता हूं तो अब मैं वहां जाके क्लास रोकूंगा, यानी वो हफ्ता खत्म होगा, टॉपिक खत्म होगा, जब तक कि मैं ये और ये खत्म नहीं कर लेता, क्योंकि ये एक पूरा अलग से एरिया है, समझ रहे हो। इसका मतलब ऑडिट को सेगमेंट्स में क्या कर दिया, ये पॉसिबल है कि हम क्लास में ये कर रहे होंगे और तुम इसकी रिकॉर्डिंग अलग से देख रहे होगे कोमस्तानी, क्योंकि इस टॉपिक का इससे कोई ताल्लुक, इस टॉपिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है भाई। कहाँ गया, अच्छा ठीक है, जज्बाती हो गया थोड़ा सा ये। यही गए था ना अभी, अच्छा ये कुछ गायब सा हो गया, अलीगढ़ गया कहाँ ये? ओहो अच्छा, ये तो मसला हो गया भाई, वापस कैसे आएगा ये? टेक्नोलॉजी ठीक है। अच्छा अब आगे चलें, अब आ रहे हैं असल टॉपिक्स, अब आ रहे असल टॉपिक का टीओसी और सब्सटेंट। अब ये एक अलग एरिया है, ठीक है। टीओसी में तकरीबन समझे लगती हैं 6 से 7 क्लासेस। इस पे आई कैप का भी सवाल जो मैंने आपको दिखाया था, अब टीओसी के टॉपिक में सवाल 4 नंबर का 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक का सवाल आ सकता है। सब्सटेंटिव प्रोसीजर ये है, वो दो काम है, जरा सुनिएगा जुमला, ये वो दो काम है जो अपनी पूरी आर्टिकलशिप में आप करेंगे। 90% आप आर्टिकलशिप में यही काम करेंगे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इसका मतलब है हम पीएनएल को और बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे हैं, पीएनएल को और बैलेंस शीट को वेरीफाई कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, ट्रेड पेबल्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोविजंस, एक्सपेंसेस, ये सब को वेरीफाई करने का नाम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और इस वक्त ये अगर मैं कंपेयर कराऊं कि F8 का जो एग्जामिनर है वो पूरे पेपर में ये 30 से 35 नंबर का पूछता है, अब आई कैप आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 और 20 नंबर की रेंज में लेके आ चुका है। अब अगर ये पेपर में नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन अगर 12 13 14 नंबर का भी आ गया और अगर वो पेपर का मेक और ब्रेक बन गया तो कल आप ये मत बोलना कि सर आपने पढ़ाई नहीं और हमने LMS पर नहीं देखा, ये बात समझिएगा जरा। आज डे वन है, आज हम ट्रीट कर रहे हैं कि डे वन है, पहली क्लास है आज। 100% सिलेबस कवर करना है, ऑडिट की डेफिनेशन से लेके आखिर तक 100% कवर करना है, कुछ छोड़ के नहीं आ सकते आप। रिस्क क्यों लें, क्या बोलते हो? रिस्क क्यों लें यार, जिंदगी में बिला बजा, एक इतना कीमती एग्जाम है यार। ये देखें, ये सब्सटेंटिव यहाँ से शुरू होता है, अभी पूरा सब्सटेंटिव है। आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल, सिर्फ मैं स्क्रीन थ्रू करा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी नजरों से घुमा रहा हूँ ताकि आज आप ऑडिट का दीदार कर लें, समझ रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ आज आप ऑडिट का दीदार कर लें, आज हो जाए, ऐसी की तैसी हो जाए आपकी, ठीक है। आप जरा चेक करें, मैंने जरा डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना जी, अब सही है। ये देखें क्या आ रहा है, आप मेरे साथ साथ पढ़ें प्लीज, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? अब ये टोटल पेपर में कहीं भी आ सकता है, ये ऑडिट रिपोर्ट के सवाल के साथ भी आ रहा है, ये आइजा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट के साथ भी आ रहा है, ये गोइंग कंसर्न के साथ भी आ रहा है, एक और टॉपिक है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन उसके साथ भी आ रहा है, ये पूरा सिलेबस आपस में लिंक्ड है। ये ऑडिट यूं है, स्टिच है, स्वेटर बोल रहे हैं आप,
स्लीव का ताल्लुक कमर से, कमर का ताल्लुक पेट से, पूरा स्टिच है ना आपस में। ये नहीं हो सकता कि टीचर ये पढ़ा के ये ना बताए कि ये सवाल यहां कैसे आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, समझ रहे? आगे चले, ये आपके लर्निंग आउटकम में दिया हुआ है, ये मैंने सिलेबस जान के नहीं पढ़ा, ये आपका सिलेबस आईकेएफ की वेबसाइट पे दिया हुआ है। फिर क्या आ रहा है, एक टॉपिक है क्या, बोले बोले मुंह से बोले आप, अब मैं आपको चीज दिखाता हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चों आप मेरे साथ हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे आप मेरे साथ हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से पेपर को खोल रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहा भाई? अभी मैंने आखिरी हाईलाइट कहाँ के रोका है, मैं तुम्हें डेमो दूँ, रुक जाओ, अभी तुम बड़ा एंजॉय करने वाले हो, तुम बोलोगे सर ये आपने क्या बता दिया हमें, अभी आपने आज 240 देखा ना, ऐसा ही था। मैं आपको मार्च 23 में लेके जा रहा हूँ, बहुत गौर से देखिएगा मेरी इस पहली क्लास की एफर्ट को ना, आपने अप्रिशिएट करना है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मैं टॉपिक पढ़ा के आपको भरम करा के आपको लॉक कर लेता, मुझे नहीं लॉक करना भाई, आपकी मर्जी है। मैं कम बच्चे पढ़ाऊंगा लेकिन मैं बहुत महंगा टीचर हूँ, मैंने बहुत जान मारी है, आई हैव गिवन माई ब्लड टू दिस प्रोफेशन, लेकिन मैं आपकी बुनियाद सही पढ़ाना चाहता हूँ आज। टॉपिक सिलेबस कवर हो जाएगा यार, पौने 300 बैच हो जाएगा, सिलेबस का मसला नहीं है, स्टार्ट सही हो जाना चाहिए। आप बहुत गौर से इत्मीनान से जरा ये सवाल पढ़ें, जिस अटेम्प्ट का ये सवाल है सुनिएगा, एग्जामिनर ने आइजा 240 पर सवाल नहीं पूछा, बच्चों ने पेपर के बाद ये कहा कि सर एग्जामिनर ने तो आइजा 240 फ्रॉड एंड एरर पूछा ही नहीं है, जब मैंने पेपर देखा तो मैंने कहा एग्जामिनर ने इसको डायरेक्टली नहीं, इसको इनडायरेक्टली टेस्ट किया है। अब जब बच्चों ने सवाल गौर से पढ़ा तो उनको समझ आया कि ये हमने एग्जाम में क्या फंड मारा है। जरा सवाल पढ़े सुकून से पूरी क्लास, जी एक मिनट जी, अब मुझे बताएं क्या एग्जामिनर ने आइजा 240 एग्जामिन किया है? अब मैं तुम्हें कीवर्ड बताता हूं, जरा यहां से मेरे साथ पढ़ो, यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज सीज्ड द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर्टेनिंग टू रेवेन्यू एंड प्रोडक्शन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिज्ड, इल्जाम लगाए कि आपने टैक्स की इवेजन की, आ गया फ्रॉड। इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन एंड जब आंसर देखोगे तो इवैल्यूएशन में आइजा 240 का स्टैंडर्ड का जिक्र आ रहा है। ये है वो फर्क जो F8 और CAF 8 में है। मैं दोनों का क्वालिफाइड हूं, मुझे दोनों को पढ़ाते हुए 26 साल हो गए। अगर एग्जामिनर F8 में सवाल पूछेगा तो वो 240 अलग पूछेगा, रिपोर्ट अलग पूछेगा, वो एग्जामिनर एसी से का एग्जामिनर सवाल में छुपम छुपी का खेल नहीं करेगा, वो आईकैप का काम है। आईकैप कह रहे मैं आसान आसान करके नहीं दूंगा, मैं आसान से सवाल पे पूरा गिफ्ट रैपर चढ़ा के तुम्हें छुपा के दूंगा, अब तुम ढूंढो। अब बच्चे सुन रहे 240 का है, 240 का है, 240 का है, जिसने फोकस करके ऐसे करके पढ़ा, क्लास में सिखाता हूं रीडिंग कैसे करते हैं। एक तरीका है तुम सवाल यूं पढ़ रहे हो, एक तरीका है तुम सवाल यूं पढ़ रहे हो, जिसने यूं करके पढ़ा उसने पिक कर लिया। आपके सामने है ना, आपको क्या लग रहा है एग्जामिनर खाली रिपोर्ट का दस्तावेज पूछ लेगा? इसमें खाली 240 थोड़ी है, रिपोर्ट के सवाल में ऑटोमेटिकली आएगा 320 मटेरियलिटी, इसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी आएंगे टैक्स के। और टॉपिक कौन सा है ये अलग है, गिनो एक समझ आ रही बात। आपने आज फैसला करना है कि आपने इस पेपर को पढ़ना है कैसे और कौन सी टर्म आपने निकालना है इसको, या तो आप पूरी दुनिया की सुन लें
या पूरे दुनिया के व्हाट्सएप ग्रुप देख लें, या पूरी दुनिया से मुशावरत कर लें, या उससे मुशावरत ले लें जो सब कराची में पाकिस्तान का सबसे सीनियर टीचर है। द चॉइस इज योर्स। मुझे कोई भरम नहीं कराने में, कोई आपको इंप्रेस नहीं कर रहा, मुझे कोई शौक नहीं आप जगह में, आपकी मर्जी है। रिस्क का ताल्लुक अल्लाह से है। जिसने दिल में बात डालनी है वो अल्लाह पाक डाल देगा भाई, कोई मस्ता नहीं। लेकिन कल को ये पछतावा ना हो कि यार एक बंदे की क्लास में आए थे, उसने सिर्फ एक घंटे में जान मार के अपने गुर्दे फेफड़े लगा के पहले बताया कि पेपर बन कैसे रहा है, फिर हमने बात शुरू की है। इट इज सो इंपॉर्टेंट फीड हार्ट्स। ठीक है जी, ये सिर्फ मैंने आपको एक एक्सपोजर दिया है इसका। हम वापस जा रहे हैं जहां से हम चले थे, ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं हमें। दो क्लासें लग जाएं, लेकिन भाई पहले इंसान के बच्चे बनेंगे फिर हम पढ़ेंगे। ये हम यहाँ आ गए, ठीक है। ये हम कहाँ थे भाई, ये हम यहाँ आ गए, ठीक है। अच्छा आगे चले, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? बड़े 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 शाबा हिम्मत से काम ले जी। क्लास में पानी लेके आ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, उबले हुए अंडे लेके आ सकते हैं, सैंडविच खा सकते हैं, ट्रेवलिंग मग में ऊपर से चाय लेके आ सकते हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया यहाँ से घूम के सांस लेके वहां से आ सकते हैं। इट्स अ प्रोफेशनल क्लास, इंजॉय एंड स्टडी, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल घर में बैठा। आप समझे, आप अपने घर में बैठे हुए, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या है कि घर वाले नजर नहीं आ रहे, एक हसीन आदमी आपको देख रहा है। आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? और ये वो टॉपिक सामने आ गया जिसका भी मैंने आपको सवाल दिखाया था, याद आ रहा है? ये एग्जामिनर जो है, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इस वक्त, 5 नंबर से लेके 20 नंबर तक का एग्जामिनर हो सकता है। फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ रहा है? लास्ट में क्या हमारे पास? ठीक है जी, अच्छा आगे चलें। अच्छा आप आ जाएं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। आज हम कम से कम स्टार्ट तो करेंगे। जरा एक निगाह डालें इसके ऊपर, हैंड आउट ले लें जी एक्स्ट्रा। ये पूरा वॉल्यूम वन नहीं है, ये सिर्फ वॉल्यूम वन के शुरू के कुछ पेजेस हैं जी। किसके पास नहीं हैंड आउट? जी जरा बहन को दीजिएगा एंड नोट जी। और कोई एंड नोट का बगैर जी? जरा इस पेज को निकालें एक मिनट, जरा माइक लीजिएगा दोस्त, एक माइक लीजिएगा। लास्ट क्लास में कौन पढ़ रहा था? जरा भाई पीपी, मुझे एडवांटेज चाहिए भाई पीपी के बैच का। माशाल्लाह ऑलमोस्ट सारे ही बैच के अंदर, कुछ पहले पढ़ चुके हैं जी। जरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ दें भाई जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़ दें प्लीज। Basic concept. Number one, concept of external audit. Concept of external audit, 4 steps of an audit. Scope of an external audit. Object of an external audit. Assurance firm and assurance client. Audit team hierarchy. Structure within audit firm. Audit cycle, class diagram. Concept of professional judgment. Concept of professional skepticism. Concept of inherent limitation of an audit. Concept of an assurance engagement. 1. Type of assurance, level of assurance, content, elements of an assurance engagement. Responsibility of management and audit and those start with governance. ये basic concepts हैं भाई, क्या हैं ये? Basic concepts. किसी building की बुनियाद में क्या होगा? Basic. लोहा, सरिया, steel, cement, ये वो है। आप मुझसे कहें सर आप डायरेक्ट रिपोर्ट शुरू कर दें, एग्जामिनर ने बड़ा रिपोर्ट पे सवाल बनाया है सर, वो हमने तो सुना है कि डायरेक्ट पहली क्लास में रिपोर्ट शुरू करा दे, आए रिपोर्ट पढ़ते हैं, घंटा समझ आएगा आपको। पहले बेस तो बन जाए भाई, चाहे कॉस्टिंग हो या टैक्स, खास तौर पे अकाउंटिंग की जो पेपर तुम्हारे नंबर वाले पेपर है, कॉस्टिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, FR1 FR2, बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी में भी वही है, ये सारे बेसिक जार्गन्स हैं। मजे को बताऊं आपको, जरा ये पढ़ा 17 concept of an accountability structure and agency. मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये हम पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक एसी जगह पेपर में, बिल्कुल पेपर वन के अंदर। बताएंगे आपको क्या होता है ये, आई के आपने पूछा हुआ है, अभी ये बता रहा हूँ कि ये बेसिक भी पूछा हुआ है। अच्छा इधर आओ जरा पढ़ो नंबर 10 पढ़ो। कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, ये एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। जजमेंट पूछा हुआ है, स्केप्टिसिज्म पूछा हुआ है, अश्योरेंस की टाइप्स से लेवल्स पूछे हुए हैं,
कंटेंट एलिमेंट तीन आइटम पहले पूछे गए हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू पूछा हुआ है, इंटरनल कंट्रोल पूछा हुआ है और ये पूछा हुआ है, और दो अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने ये भी पूछा हुआ है, अब बताओ मुझे। और ये वो चीजें हैं जो बच्चे पेपर से पहले तीन दिन पहले चार दिन पहले रिवाइज ही नहीं करते, ये मैं आपको आज इतने अरसे पहले बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपकी बिल्कुल अवेयरनेस हो। आप ये ना कहें सर साजिद ने बताया नहीं हमें, सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ा है उसने बताया नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, जरा सारे मुकम्मल कर लो मेरी जान। Concept of management letter, concept of accountability, stewardship agency, concept of an external audit report, concept of difference between statutory and non-statutory audit. वो audit जो by law है वो statutory है, और वो audit जो by law नहीं है, other than law demand है, वो क्या है? Non-statutory audit. KNS का audit करने की जरूरत नहीं, क्योंकि KNS ना partnership, KNS ना private company है, ना KNS public company है, हर उस company को audit कराना है जो companies act के तहत बनी हुई है। KNS कंपनीज एक्ट के तहत बना हुआ नहीं है, हो सकता है KNS सोल ट्रेड के तौर पर ऑपरेट कर रहा हो सकता है KNS पार्टनरशिप हो, लेकिन अगर मैं और सर खलील चाहेंगे हमारा भी ऑडिट हो तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? इसमें आएगा, इसमें आएगा। लेकिन मुस्लिम जिम खाना, कराची क्लब, ग्रीक क्लब, ये सारे सेक्शन 42 में रजिस्टर्ड है, नॉट फॉर प्रॉफिट, चूंकि ये ऑर्डिनेंस में आ गए, चूंकि नए कंपनीज एक्ट में आ गई है, लिहाजा इनको बाय लॉ ऑडिट कराना है, चाहे मकसद प्रॉफिट वाला हो या मकसद नॉट फॉर प्रॉफिट हो। उस केस में ऑडिट कौन सा होगा? एक बेसिक बात की है, आगे चलें। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, राइट्स, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, ठीक हो गया। आगे चलें जी, अब यहां से शुरू होता है, लेट स्टार्ट, रुक जाए जी, ये मेन हैंडआउट आ गया, यहां से हम शुरू करते हैं, देखें कि फर्स्ट हेडिंग क्या आ गई है। ठीक है, अच्छा अब मैं दोबारा बेसिक पे जा रहा हूँ, ठीक है, रुक जाए जरा, वन सेकेंड टेक अ डीप ब्रेथ। अब तक का सफर कैसा लगा भाई? कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट तरह से पढ़ाया जाए ताकि आपको डाइजेस्ट हो सब्जेक्ट। जी अब मैं बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगले 15 मिनटों के अंदर मैं लास्ट क्लास को लेके आ रहा हूँ, और मैं बड़ी बड़ी होशियारी के साथ लास्ट क्लास को इस क्लास से लिंक कर दूंगा, ताकि चौथी क्लास से जहाज मुश्किल काम होता है, थ्योरी को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल चूंकि आज नए बच्चे आ गए माशाल्लाह में खुशी है, तो लिहाजा थोड़ा सा मैंने ये बेसिक कवर कर लिया। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितने बच्चे आज पहली बार आए, नए बच्चे आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, मुझे 15 मिनट देंगे आप, और मैं एग्जैक्ट घड़ी देखकर 15 मिनट में क्लास ऑफ करूंगा, और मैं आपको बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो पुराने बच्चे वन सेकेंड माजरा था, लेकिन इंशाल्लाह अगली क्लास में नहीं होगा ये, ठीक है। कहें ऑडिट, ऑडिट के लफ्जी मायने हैं वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, ऑडिट की दुनिया में, कैफ एड की दुनिया में ऑडिट के लफ्जी मायने हैं ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। व्हेन वी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वी मीन पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। क्योंकि हम जब ऑडिट करते हैं, हम खाली किसी एक कंपोनेंट पर ओपिनियन नहीं दे रहे, वी एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स टेकन एज अ होल। सर वो मेरा दोस्त आजकल PIA का ऑडिट कर रहा है, मेरा दोस्त के इलेक्ट्रिक पर पोस्टेड है, मेरा दोस्त फला कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ठीक है, सुन ली मैंने तुम्हारी बात। ये कंपनी कौन चला रहा है, ये कंपनी कौन चला रहा है? अब ये मैं पहली क्लास की बात को बहुत ही समराइज कर रहा हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? इसमें दो बड़े अहम लोग हैं, CEO, चेयरमैन, तमाम फंक्शंस, फाइनेंस, HR, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट, इन सब का
एक कप्तान है, नाम है उसका सीईओ, बोर्ड का कप्तान चेयरमैन है, कंपनी का कप्तान सीईओ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये वो डिपार्टमेंट है जो पूरा साल 12 महीने सेल परचेस कर रहा है। अज्यूम कर लें इंडस मोटर्स गाड़ियां बना रहे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर 12 महीने, जब मैं इस क्लास में ऑडिट में, जब आप इस फिजिकल क्लास में लेक्चर्स में सुनेंगे बैलेंस शीट डेट, क्या सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप, जब आप बैलेंस शीट डेट सुनेंगे तो तमाम कारकों कहां पहुंचेंगे, भाई कहां पहुंचे हुए, चाहे अब आप दिसंबर 31 भी सही है आप कहें तो जनाब अली सितंबर 31 भी ठीक है, मार्च की डेट भी सही है, हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सेक्टर्स में डिफरेंट बैलेंस शीट डेट है, लेकिन हम इस क्लास के लिए क्या अज्यूम करें, कौन सी डेट हमारी दिसंबर 31 ठीक है। इंडस मोटर 12 महीने काम करती रही, इंडस मोटर 12 महीने काम, सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस सेल परचेस, जब दिसंबर 31 आ गया, बैलेंस शीट डेट आ गई, तो कंपनी का फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बनाएगा, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें क्या क्या शामिल है, जिसमें क्या क्या शामिल है भाई, 12 महीने गुजर के कंपनी ने क्या बनाया, 12 महीने गुजर के कंपनी ने क्या बनाया, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे ये किसने अप्रूव किए होंगे, बोर्ड में एक बंदा था उसका नाम था डायरेक्टर, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव किए, ठीक है। अच्छा मुझे बताए कंपनी के मेन ओनर्स कौन है, कंपनी के मालिकान कौन है, उनका उनका जिंदगी में क्या स्टेक है, सर उनको मिलेगा साल के आखिर में या उनको मिलेगा क्या, उनको मिलेगा या तो, या उनको मिलेगा क्या, अब जो प्रॉफिट आपने डिक्लेयर किया है, जो डिविडेंड आप देने जा रहे हैं, वो एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं है, शेयर होल्डर बोलेंगे भाई खुद तो आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, खुद तो आप डिफेंस में रहते हैं, तनख्वाहें आपकी जबरदस्त किस्म की 15 लाख 20 लाख 25 लाख, हमें आपने मामू बना दिया। सवाल यह है कि क्या वो डायरेक्टर से ये कहें कि तुम कसम खाओ, अल्लाह पाक की कसम खाओ कि जो तुम अकाउंट्स दिखा रहे हो, जो तुम इसमें प्रॉफिट दिखा रहे हो, जो एसेट दिखा रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर ने कहा हाँ शपथ कसम खुदा की, प्रॉमिस बाय गॉड, ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है। अबे भाई बनाने वाले तुम हो, 12 महीने चलाने वाले तुम हो, तुम अकाउंट्स अप्रूव करने वाले तुम हो, हम तुम्हारा ओपिनियन कैसे मान लें, तुम्हारा ओपिनियन तो वो ही नहीं है इंडिपेंडेंट, लिहाजा हमें तो उसका ओपिनियन चाहिए जिसका कंपनी में कोई ताल्लुक, लिहाजा एज पर कंपनी एक्ट 2017 हम एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बाहर से लोगों को लाएंगे, ये जो लोग बाहर से आएंगे इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, यहां से तुम्हारी सीन में एंट्री होती है, कहो एक्सटर्नल ऑडिटर्स, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाहर वाले हैं, ये जो बात कहेंगे, ये जो ओपिनियन देंगे वो इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन ये जो ओपिनियन देंगे वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि ये कंपनी को चलाने वाले हैं, इंप्लॉइज हैं, इनका स्टेक है, इस पार्टी का कोई स्टेक नहीं है, लिहाजा जो ओपिनियन बाहर वाले देंगे इंडिपेंडेंट लोग देंगे, न्यूट्रल प्रूडेंट अनफेवर्ड अनअफेक्टेड अनप्रिजुडाइज्ड, उनका ओपिनियन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है हमने एजीएम में किसको अपॉइंट किया, अब एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी में आएंगे, कौन सी कंपनी में, जिसके तुम और मैं कौन है, जिसके तुम और मैं कौन है, हमारे कितने स्टेक होल्डर्स, हमारे कितने स्टेक्स हैं, और हम कंपनी के कौन है ओनर, कंपनी का नाम क्या है। अब यहां से कहानी शुरू होती है, अब तो मेरे साथ रिपीट करो, साल के आखिर में बैलेंस शीट डेट के बाद एक्सटर्नल ऑडिटर्स कंपनी में आएंगे, ऑडिट करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, पीएनएल बैलेंस शीट को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद शेयर होल्डर को कागज के टुकड़े के ऊपर वो जो देंगे
वो ओपिनियन है, दैट ओपिनियन इज इंडिपेंडेंट। ये रही कंपनी, ये रहे एक्सटर्नल ऑडिटर्स जिनको हमने अपॉइंट कहां किया था, ये एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी में आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे एज पर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एज पर द प्रोसीजर गिवन, उसके तहत वो प्रोसीजर करेंगे, सैंपल बेस पे सेल्स को वेरीफाई करेंगे, कैश इन हैंड को गिनेंगे, कैश एट बैंक में कंफर्मेशन भेजेंगे, क्लाइंट से बातें पूछेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, मेमोरेंडम देखेंगे, परचेज ऑर्डर देखेंगे, जीआरएन देखेंगे, जीडीएन देखेंगे, एग्रीमेंट देखेंगे, फलाना कागज देखेंगे, फलाना कागज देखेंगे। उसके बाद ऑडिट करने के बाद जब ऑडिट खत्म कर लेंगे तो एक कागज के टुकड़े के ऊपर, किसके ऊपर, उस कागज के टुकड़े को कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। कहो ऑडिट रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले सवाल देखा था हमने 24 नंबर का, वेरी गुड। क्या सवाल था, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन द ऑडिट। तो सर क्या वो जो रिपोर्ट थी, क्या वो यही रिपोर्ट है? हाँ बोलो हाँ। इस कागज में हम शेयर होल्डर्स को ये बताएंगे, प्यारे शेयर होल्डर, अच्छे शेयर होल्डर, हमने ऑडिट किया, हमने प्रोसीजर किए और हम ये बता रहे हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बीओडी ने अप्रूव किए हैं, जिनका हमने ऑडिट किया है, वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, उसमें कोई दो नंबरी नहीं है। बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ समझ आया? सारे पैसे इस रिपोर्ट के हैं। इस वक्त हबीब बैंक की ऑडिट फीस तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए। एक कागज के टुकड़े को साइन करने के लिए ENY उनसे ले रही है 3.5-4 करोड़ रुपए। इसने कहा सर लाए मैं 150 रुपए में कर देता हूं। बेटा मसला वो नहीं है, मसला शक्ल दिखाए ना, शक्ल कहा है बेटा? सर यही है बेटा, मैंने धो गया है इसको। इसका मतलब है एक ऑडिट फर्म इतने पैसे लेकर एक कागज दे रही है, चलो 10-12 दे दे। अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। सारी खवातीन खुसर बुसर कर रही है, पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अब बहुत खूबसूरत होगी, ठीक है, बड़ी सी अंग्रेजी है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, और पता नहीं इससे बात करे कि ना करे। अचानक से सर साजिद ने कहा भाई मैं इसको जानता हूं, ये मेरी बड़ी फुप्पो की बेटी है और बहुत अच्छी है। अचानक से जिसके बारे में गॉसिपिंग हो रही थी वो रातों रात क्लास की बन गई शाइनिंग स्टार, क्योंकि ये सर साजिद की फुप्पो की तेरी तो निकल पड़ी। अब इधर दोस्तियों की ऑफर, वहां से डिमांड, इंस्टा पे ऑफर, वहां से ऑफर। इसका मतलब है अचानक से तुम्हारी क्लास में क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। लोग कह रहे हैं सर ये अजीब सा आदमी है, चलता है तो भी झूलता है, सर क्या इसका मसला है कोई? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे मोहल्ले में दो घर छोड़ के रहता, बहुत ही प्यारा बच्चा है यार, बचपन से देख रहा हूं मैं, मेरी गोदों में पला है, ऐसा नहीं है भाई। अचानक से इसकी तो निकल पड़ी। अरे भाई सर साजिद ने इसको और इसको क्लास में आसमान पर चढ़ा दिया। इसका मतलब है आप दोनों की इज्जत में 4 चांद लग गए, आपकी शान बढ़ा दी। इसी तरह रिपीट करो, ENY ने, ऑडिट फर्म ने, भरी महफिल में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इस कागज के जरिए हबीब बैंक के अकाउंट्स को 4 चांद लगा दिए। कैसे लगाए? ये बोल के, ये कहकर, ये असर्ट करके दैट द अकाउंट्स are giving a true and fair review. Shareholder, चिंता मत करो, हमने ऑडिट किया है and the accounts are giving a true and fair. ये जो आपने एकदम से accounts की credibility बढ़ा दी है ना, इसके लिए 4.25 करोड़ रुपए। कुछ समझ आ रहा है भाई? हर लिस्टेड कंपनी को पाकिस्तान में ऑडिट कराना है,
हर अनलिस्टेड कंपनी को पाकिस्तान में ऑडिट, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपना ऑडिट। ये कॉम्प्लीमेंट्री सर एकदम से आएगा और 5 सेकंड में चलेगा, आपने वीडियो बनानी है बना ले। हर वो कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई है उसको अपना ऑडिट। इसका मतलब है इन पाकिस्तान ऑडिट इज बाय लॉ। हर वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई उसको ऑडिट कराना बाय लॉ है, बोले तो मैंडेटरी है, बोले तो स्टेचुरी ऑडिट है। रिकैप कहो, कागज ऑडिट रिपोर्ट जिसको दे रहे हैं, जिसको एड्रेस कर रहे हैं शेयर होल्डर, जिस पर ओपिनियन दे रहे हैं अकाउंट्स, जो दे रहे हैं ऑडिटर्स, जिनके अकाउंट्स पर दे रहे हैं इंडस मोटर्स, जो दे रहे हैं वो ओपिनियन, जिसकी वर्डिंग्स के अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। कुछ समझ आया? रुक जाओ, आखिरी 5 मिनट रुक जाओ। ये जो समझ आया एक मिनट में कॉपी कर लें, जो समझ आया नोट कर लें, एक लाइन में लिख लें, जो भी समझ आ रहा है तस्वीर ले रहे, जो करना कर लें भाई। अच्छा जी, अब जरा बात सुनिएगा जरा, ठीक है? अब आखिरी 5 मिनट लगा रहा हूं मैं, उसको मिटा नहीं रहा मैं, ठीक है? मैं कुछ बातें आपसे यहां कर रहा हूं, ठीक है जी? क्या लिखा मैंने? कहीं ENY ये है जी, एक्सटर्नल क्या है भाई ये, ठीक है? अब आप रिपीट कर रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स का है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का है, एक ही बात है। अब इसको एक जमाने में ऑडिट फर्म भी कहते थे, फिर एक जमाना आया कि इसको अश्योरेंस फर्म भी कहा जाता है। इस वक्त भी उसका लेटेस्ट वर्ड चल रहा है, वो क्या है? अश्योरेंस फर्म, ठीक है? आप ऑडिट फर्म कहें या आप क्या कहें। अच्छा, अब आगे चलें, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं भाई? आपने बोलना है, ठीक है? अगर ये ऑडिट फर्म है और हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ऑडिट लाइन, ठीक है जी? ठीक है, जबरदस्त, बात समझ आ गई। बैलेंस शीट डेट क्या है भाई? अभी हमने क्या ज़ूम किया, ठीक है जी? ये है इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है? कोई बात, जैसे ही बैलेंस शीट डेट गुजर जाएगी, कौन सी डेट गुजर जाएगी, और जब पीएसओ क्या बना लेगी अपने, तो ENY की ऑडिट टीम यहां पहुंच जाएगी। अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब मैं क्या लिख रहा हूं, अब अगर फर्म को अश्योरेंस फर्म कह रहे हैं तो क्या हम क्लाइंट को भी अश्योरेंस क्लाइंट कह सकते हैं? अगर मैं EY को कह रहा हूं कि भाई अश्योरेंस फर्म है, अश्योरेंस देती है, अब देखें यहां से अगली क्लास की पूरी बेस बन रही है। मैं कह रहा हूं एन ऑडिट फर्म, रिपीट, एन ऑडिट फर्म इज बेसिकली गिविंग एन अश्योरेंस टू द ऑडिट लाइन। तो अगर मैं इसको अश्योरेंस फर्म कह रहा हूं तो क्या मैं इसको अश्योरेंस क्लाइंट कह सकता हूं? तो फिर जो लोग जाके ऑडिट कर रहे हैं क्या मैं उसको अश्योरेंस टीम भी कह सकता हूं? कह सकता हूं, नहीं कह सकता? ठीक होगी बात। आप 5 बंदों की टीम लेके गए, 6 बंदों की टीम लेके गए, 8 बंदों की टीम लेके गए, 10 बंदों की टीम लेके गए। जब मेरा पहला क्लाइंट था पीएसओ का 2002 में, तो 15 बंदों की टीम थी EY की, 15 बंदों की टीम थी। सर ये 15 बंदे कौन थे, ये कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जूनियर भी थे, सेमी सीनियर भी थे, जॉब इंचार्ज भी था, सुपरवाइजर भी था, असिस्टेंट मैनेजर भी था, और ऑडिट फर्म का सबसे जो बड़ा डेजिग्नेशन होता है वो होता है ऑडिट पार्टनर। कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, कल बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास, मिस नहीं करने वाली, उसमें बताएंगे भाई कि फॉर्म में क्या होता है, ठीक है? अब जब ये बंदे, जो भी बंदे गए, जितने भी बंदे गए, ये जितने भी बंदे गए, ये वहां गए, इन्होंने ऑडिट किया, मेन 2 काम किए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स किए, और जब ऑडिट खत्म हो गया, जब ऑडिट एंड पर आ गया, तो इस काबिल हो गए कि ये पीएसओ के शेयर होल्डर्स को एक कागज के टुकड़े के ऊपर, जिसको हम रिपोर्ट कहते हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट किया एंड द अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, जिससे पीएसओ के अकाउंट्स की बढ़ गई क्रेडिबिलिटी। जैसे कि मैंने कहा, मेरी फुप्पो की बेटी है ये,
बात समझ आ रही है? ठीक है जी, अब एक और बात करता हूँ, बात समझना, वह आखिरी बात। यहां मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, हर थ्योरी की क्लास का मजा ही है, आपको चस्का लगाने के लिए मैं एक सवाल छोड़ के जाऊँ, आप बेचैन रहेंगे, नींद नहीं आएगी, करवटे बदलेंगे, क्या कहा था, क्या कहा था तक कल क्लास में है। ठीक है, अब मेरा सवाल है, ये जो आपने, सुनिएगा गौर से, लाल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है जी, ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या कहा हमने सर, क्या ये कोई हम गारंटी दे रहे हैं? जी नहीं। अभी अभी मुश्किल वर्ड ना कहो, अभी आसान बात करो, मैं कह रहा हूं ये ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि हमने शेयर होल्डर को गारंटी दी है? बोला नहीं, नहीं। सर तो फिर हमने क्या दिया है, क्या हमने उनको किसी किस्म का कोई अश्योरेंस दिया? बोलो हाँ दिया है। कहो अश्योरेंस की तीन टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। अब मेरे साथ आखिरी बात रिपीट करो, फिर क्लास ऑफ करेंगे। एक ऑडिटर जब क्लाइंट पर जाता है, प्रोसीजर पर करता है, कुछ लोग ये समझते हैं, जमाना ये समझता है, लोग ये समझते हैं कि हमने शेयर होल्डर्स को कोई गारंटी शरंटी दे दी है, कोई 100% अश्योरेंस दे दी है। ऐसा नहीं है पाकिस्तानियों, ऐसा नहीं है। ऑडिटर्स कैन नेवर एवर एवर नेवर एक्सप्रेस an absolute level of assurance because there are कुछ है। सर आप जो इतना जोर जोर से बोलते हैं तो क्या आपने अपने फेफड़े अपसाइज के कराए हुए? नहीं जी, बचपन से फेफड़े बड़े मिले हैं नेचुरली, इनहेरिट। क्या है जी? सर ये आपने बाल असली हैं या आपने विग लगाई हुई? असली है भाई, घने बाल है, इनहेरिट। सर मेरे दोस्त की आवाज बड़ी जनाना है, आवाज की बात हो रही है, इनहेरेंट। इसके बाल हल्के से ब्राउन है, इनहेरेंट। भाई के बाल ही गायब में उतर रहे हैं, इनहेरेंट। इनके चीक्स थोड़े बड़े हैं, इनहेरेंट। वो दुबला पतला स्मार्टी पैंट्स है, इनहेरेंट। इनहेरेंट कहो, इनहेरेंट। अब मैं आखिरी बात बोल के क्लास को अख्तिताम कर रहा हूं। हमारे प्रोफेशन में कुछ चीजें, कुछ बातें इनहेरेंट हैं, जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड हैं, पैदाइशी हैं, जिनकी वजह से एक ऑडिटर चाहे भी तो वो शेयर होल्डर्स को 100% गारंटी या 100% लेवल ऑफ अश्योरेंस नहीं दे सकता, बिकॉज देर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। हजरत यहां तक रखते हैं, यहीं से इंशाल्लाह अगली क्लास का स्टार्ट लेंगे। आज बहुत सारी बातें रिकैप हुई हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने नया ज्वाइन किया था, तो अब जो बच्चे ज्वाइन करेंगे वो इस जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी चौथी क्लास से लिंक हो जाएंगे। उससे पहले वो ये आज की तीसरी क्लास और इससे पहले की दो क्लास अगर देख लेंगे तो वो तीन क्लासों के बाद चौथी क्लास से ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। मुलाकात होगी चौथी क्लास में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।